मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इंदौर में मादक पदार्थों के अवैध विक्रय करने वालों के विरुद्ध लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर आज सांवेर रोड जाख्या में जिला प्रशासन तथा आबकारी विभाग के अमले द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मुनक्का के नाम से भांग की गोलियां अवैध तरीके से बनाने तथा बहुत सी गंदगी में अस्वच्छ वातावरण में मुनक्का निर्माण करने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 20 लाख रुपए मूल्य की 2 क्विंटल भांग तथा 5 क्विंटल अमानक मुनक्का समेत मशीन और अन्य सामग्रियां जब्त की गईं। अपर कलेक्टर तथा प्रभारी सहायक आयुक्त श्री राजेश राठौर ने बताया कि ग्राम जाख्या में सागर आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम मुनक्का निर्माण की फैक्ट्री संचालित थी। इस फैक्ट्री में मुनक्का के नाम से भांग की गोलियां बनाई जा रही थी। गोदाम में भारी मात्रा में पिसी हुई भांग व मस्ताना, तरंग, सागर एवं शिवम ब्रांड की मुनक्का गोलियां मिली, जिन्हें जब्त किया गया है। प्रथम दृष्टया देखने पर उक्त मुनक्का में पूरी तरह भांग मिली हुई पाई गई। मुनक्का के नाम से भांग की गोली बनाने की धोखाधड़ी की जा रही थी। बताया गया कि पंकज वैष्णव तथा प्रिंस जोशी की सागर आयुर्वेदिक फार्मेसी द्वारा श्री हीरालाल पिता लक्ष्मण दास पंजवानी की विश्वास सेवा सदन की मस्ताना मुनक्का, श्री गौरव बसेनी की शिवम मार्केटिंग की शिवम मुनक्का, गोपाल धनोतिया एवं श्री राहुल धनोतिया की तरंग फार्मा की तरंग मुनक्का का निर्माण भी किया जा रहा था। ये निर्माण बगैर लाइसेंस के किया जाना पाया गया। भांग का अवैध रूप से संग्रहण भी मिला। आयुष विभाग के द्वारा उक्त सामग्रियों का सैंपल लिया गया, जिसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। बताया गया है कि फैक्ट्री में अस्वच्छ वातावरण में सामग्री का निर्माण किया जा रहा था। बताया गया कि सागर आयुर्वेदिक फार्मेसी के संचालक पंकज वैष्णव के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान अपर कलेक्टर व प्रभारी सहायक आयुक्त श्री राजेश राठौर, आबकारी विभाग के अधिकारी श्री राजीव द्विवेदी और श्री राजीव मुदगल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इंदौर से BL खैर की रिपोर्ट।